हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेदा चैनल। सो आई एम बैक हियर विद अ न्यू टॉपिक। सो टुडेज टॉपिक क्या है? वात के विशिष्ट कर्म, मतलब वात के भेद। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखे हैं वात के पित्त के और कफ के निरुक्ति, उत्पत्ति, पर्याय, स्थान, गुण और अविकृत कर्म। आज हम देखेंगे इस वीडियो में वात के भेद। तो पहले कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ वात की निरुक्ति क्या होती है, वात होता क्या है, वात का स्थान क्या है, वात के गुण क्या है, ठीक है। मैं बता चुकी हूँ कि वात का अर्थ होता है जो गति करता है, सर्व शरीर में जो गमन करता है उसी को वात कहते हैं। और मैंने ये भी बता चुकी हूँ कि वात के स्थान होते वस्ती, पुरीषाधान, कटी, सक्थिनी, पैर, अस्थि। लेकिन मुख्यतः वात के स्थान क्या होते हैं? पक्वाशय। वात के पर्याय हम देख चुके हैं। वात के गुण हम देख चुके हैं। वात के गुण होते हैं रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे वात के भेद। तो पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को, वात के पांच भेद होते हैं। पांच भेद होते हैं प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। तो यहाँ पे चरक सूत्र स्थान, चरक चिकित्सा स्थान का एक श्लोक है, प्राणोदान समान व्यान अपानो च पंचधा। मतलब प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान, ये पांच प्रकार के वात के स्थान होते हैं। ये पांच प्रकार के वात के भेद होते हैं। इन भेदों का अपना अपना स्थान है और अपना अपना गुण और कर्म होता है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे प्राणवात, प्राणवायु। प्राणवायु से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे चरक चिकित्सा स्थान का श्लोक बताया गया है कि स्थानम प्राणस्य शिशिरकर्ण जीवास्य नासिका स्तवनम स्तव उद्गार श्वास आदि कर्मच। मतलब यहाँ पे बताया है प्राणवायु में कि प्राण जो होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं, अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रजतम और पंच इंद्रियाणि भूतमिति प्राण। ये 12 प्रकार के प्राणवायु का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और ये बताया गया है कि प्राणवायु का मुख्यतः स्थान बताया गया, सिर बताया गया है, वक्ष मतलब और प्रदेश बताया गया, कान, जिह्वा, मुख और नासिका, ये प्राणवायु के स्थान बताए गए। और प्राणवायु के कर्म क्या है? प्राणवायु के मुख्य कर्म है थूकना, छींकना, डकार लेना, श्वसन क्रिया करना तथा आहार को निगलना। ये सब प्राणवायु के मुख्य कर्म है, ठीक है। अब अगर प्राणवायु में, यदि प्राणवायु में विकृति उत्पन्न हो जाए तो किस प्रकार का रोग उत्पन्न होता है? प्राणवायु में अगर विकृति उत्पन्न हो जाए तो हिचकी, श्वास आदि रोगों को प्राय स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब हिचकी आने लगेगी, श्वसन क्रिया ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। प्राणवायु के विकृत होने पे इन सब प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उदान वायु। चरक चिकित्सा स्थान का ये श्लोक है, उदानस्य पुनः स्थानम नाभ्य उरा कंठ एवं च वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण आदि कर्म च। उदान वायु का स्थान होता है नाभि, उर प्रदेश, कंठ उदान वायु का स्थान है। उदान वायु का कर्म होता है वाणी में प्रवृत्ति, प्रयत्न करना, ऊर्जा उत्साह, बल और वर्ण, ये सब प्राणवायु उदान वायु के कर्म है। यदि उदान वायु में विकृति उत्पन्न हो जाए तो ऊर्ध्व जत्रोगत रोग होंगे, शिरो रोग, कर्ण रोग, दंत रोग, नेत्र नासिका और मुख के रोग शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। तो उदान वायु का क्या स्थान बताया? नाभि और कंठ उदान वायु के स्थान है। उदान वायु का क्या कर्म है? प्रयत्न करना, उत्साह प्रदान करना, बल प्रदान करना, शरीर में वर्ण आदि, ये उदान वायु के कर्म है। उदान वायु के विकृति उत्पन्न होने से क्या होती है? उदान वायु के विकृति उत्पन्न होने से ऊर्ध्व जत्रोगत रोग होते हैं। ऊर्ध्व जत्रोगत में आते हैं शिरो रोग, कर्ण रोग, दंत रोग, नेत्र रोग, मुख रोग, ये सारे रोग उत्पन्न होते हैं। अब हम बढ़ते हैं व्यान वायु की तरफ। व्यान वायु के चिकित्सा स्थान का, चरक चिकित्सा स्थान का श्लोक है, देहम व्यानोपति सर्वतो व्याना शीघ्र गति निर्णाम गति प्रसारणाक्षेप निमेश आदि क्रिया सदा। इस श्लोक का अर्थ होता है शीघ्र गति करने वाला, जो पूरे शरीर में, संपूर्ण देह में जो शीघ्र गति करता रहता है, चलना फिरना, अंगों का फैलाना, आक्षेप, निमेश, पलकों का उठाना, बंद करना, ये सब जो होते हैं ये व्यान वायु के कर्म हैं। व्यान वायु के ये सारे कर्म होते हैं। और यदि व्यान वायु की विकृति हुई तो व्यान वायु की विकृति होने से सर्व शरीरगत रोग उत्पन्न होंगे, क्योंकि व्यान वायु का क्या स्थान बताएगा? सर्व शरीर। तो व्यान वायु के विकृत होने से सर्व शरीरगत रोग उत्पन्न होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं समान वायु।
समान वायु का चरक चिकित्सा स्थान का श्लोक है, स्वेद दोष अंबुवाहानी श्रोतांसी समधिष्ठिता अंतरअग्निश्च पार्श्वस्थि समानु अग्नि बल प्रदा। तो समान वायु का स्थान है स्वेद व दोष व अंबु व श्रोतस, ये सारी श्रोतस समान वायु के स्थान है। और समान वायु का क्या कर्म है, समान वायु जो होते पाचन अग्नि को बल प्रदान करता है, वो शरीर में होने वाले पाचन क्रिया को बल प्रदान करना ही समान वायु का एकमात्र कर्म है। यदि समान वायु में विकृति उत्पन्न हो जाती है तो गुल्म मंदाग्नि अतिसार ये आदि रोग उत्पन्न होने लगते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपान वायु की तरफ। अपान वायु का स्थान होता है श्रोणि गुदा मूत्राशय मूत्र इंद्रिया वंशन तथा उरु प्रदेश, ये सब अपान वायु का स्थान है। और अपान वायु का क्या कर्म है, शुक्र आर्तव पुरीष मूत्र इन सबको शरीर से निष्कासित करना ही एकमात्र अपान वायु का कर्म है। यदि अपान वायु विकृत हो गई तो गुदा तथा वस्थि में गंभीर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये थे हमारे वात के पांच प्रकार के भेद और उनके कर्म और उनके स्थान। अगले वीडियो में हम देखेंगे पित्त के कर्म और पित्त के भेद। सो थैंक यू एवरीवन।